नमस्कार, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कैल्शियम के बारे में, जो कि हम सेब के पौधे पर छिड़काव जिसका करते हैं। आप देखेंगे कि आप जब भी आप अपने फ्रूट को बेचते हैं, जैसे कि एक रॉयल ही जो एप्पल हमारे वहाँ वैरायटी है, रॉयल डिलीशियस जिसको हम बेचते हैं, तो एक ही सेब जिसका प्राइस हमें किसी को लार्ज का 40 रुपये मिलता है, किसी को 50 रुपये और किसी को 60 रुपये या किसी को 65 रुपये, तो एक ही सेब में इतना डिफरेंस क्यों आता है? मुख्य कारण होता है सेब की जो हार्डनेस है, क्वालिटी है और शेल्फ लाइफ है। जब भी हमारा सेब मंडियों में जाता है तो जो लदानी है वो देखते हैं फ्रूट में शाइनिंग कितनी है और कलर कितना है। तो मुख्य कारण यही रहता है कि हम लोग जो किसान कम रेट पाते हैं, तो उनमें ज़्यादातर पौधों में एक तो उनके फ्रूट में हार्डनेस ज़्यादा नहीं होती और शाइनिंग ज़्यादा नहीं होती। तो इस चीज़ को आप कैसे इम्प्रूव करें, इसके लिए आपको कैल्शियम की स्प्रे करनी पड़ेगी। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको कम से कम 3 स्प्रे कैल्शियम की करनी पड़ेगी, जिसमें कि आपको पहली स्प्रे पेटल फॉल पे करनी पड़ेगी। हमारे पास अभी 3 प्रोडक्ट कैल्शियम के उपलब्ध हैं। ऐसे तो कैल्शियम के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं। कैल्शियम की जो कमी है उसका आने का मुख्य कारण होता है नाइट्रोजन का ज़्यादा होना या मैग्नीशियम का ज़्यादा होना या पौधे में सूखा पड़ जाना या फिर पौधे में फ्रूट का साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाना। तो आप इन बातों का भी ध्यान दें, इस कारण से भी कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण कि 3 बीमारियां ज़्यादातर मुख्य 3 बीमारियां पौधे में सेब के पौधे में आ जाती हैं फ्रूट पे। उसका नाम है बिटर पिट, जिसमें धसे हुए काले रंग के भूरे दाग पड़े जाते हैं फ्रूट के ऊपर, जॉनथन स्पॉट आते हैं और कॉर्क स्पॉट, ये 3 बीमारियाँ आ जाती हैं। तो इसका कंट्रोल आप अच्छी तरह से करने के लिए कैल्शियम की स्प्रे कर सकते हैं। कैल्शियम की स्प्रे करने के लिए हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं। जो पहला प्रोडक्ट है जिसका नाम है कैलीटेक, जो कि ट्रेड कॉ कंपनी का है, जिसको आप पेटल फॉल स्प्रे पे कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं नाइट्रोजन इसमें 10% है, कैल्शियम इसमें 2 तरह से प्रोडक्ट हैं, बेट बाय बेट और बेट बाय वॉल्यूम। बेट बाय बेट नाइट्रोजन इसमें 10% है और बेट बाय बेट कैल्शियम इसमें 15% है और बेट बाय वॉल्यूम इसमें 23% है। बाकी भी इसमें कॉपर, जिंक, बोरॉन और मॉलिब्डेनम है। तो इस स्प्रे को आप पेटल फॉल पे कर सकते हैं। पेटल फॉल पे इसको आप हेक्साकोनाजोल के साथ, किसी भी फंगीसाइड के साथ कर सकते हैं या कार्बोनेजिन के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है जिसको आप कर सकते हैं बॉलनट स्टेज पे आप कर सकते हैं कैलवान, जिसमें कैल्शियम है 30% और बोरॉन है 4%। ध्यान दें, जब भी आप कैल्शियम करें उसके साथ बोरॉन जरूर होना ज़रूरी है। इतने जितने भी प्रोडक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा बोरॉन इसी प्रोडक्ट में है, जिसमें 4% है। इसको आपने करना है बॉलनट स्टेज पे, जो यानी कि अखरोट के दाने के ऊपर। और जो हमारा थर्ड प्रोडक्ट है जिसका नाम है कैमैक, जो न्यूट्रीफीड कंपनी का आता है, इसको आपने करना है बॉलनट स्टेज के साथ ही, उसी स्टेज पे जिस टाइम की कैलवान करते हैं। इसकी डोज भी रहती है 400 ml 200 लीटर पानी के लिए, और इसकी खासियत यह है कि इसमें मैग्नीशियम भी 4% है और कैल्शियम 15% है, जिससे कि आपको बहुत अच्छी फ्रूट की हार्डनिंग मिलेगी और क्वालिटी भी मिलेगी। तो ये जो 3 प्रोडक्ट है, इसके अलावा भी कुछ किसान कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट करते हैं। कैल्शियम सल्फेट की डोज आपको 800 ग्राम 200 लीटर पानी के लिए रखनी है और कैल्शियम क्लोराइड की 1 किलो 200 लीटर पानी के लिए। ध्यान देना है कि आपको जो कैल्शियम क्लोराइड की स्प्रे करनी है उसका स्प्रे आपको हार्वेस्टिंग से 30 दिन पहले करनी है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और आपका फ्रूट बहुत ही हार्ड होगा और आपको प्राइस भी अच्छे मिलेंगे। धन्यवाद।